हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स। स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर किशोर बोबड़े, जिनको अमरावती का बोनसाई मैन कहा जाता है। सर नमस्ते। नमस्कार, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ और मेरी पहले से गार्डन में मेरी हॉबी थी, मगर सर्विस की वजह से मुझे अदर गार्डन में फुर्सत नहीं मिलने की वजह से मैंने बोनसाई चूज किया और बोनसाई के ऊपर मैंने 40 साल से कंसंट्रेशन किया। सर बोनसाई का मतलब क्या होता है? सर बोनसाई का मतलब कैसा है कि बोनसाई ये जो वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है। एक्चुअली ये जो आर्ट है ये बोनसाई आर्ट ये पहले चाइना में डेवलप हो गई थी, उसको वहां पे पेंजाई बोलते थे। बाद में जब जापान का चाइना के ऊपर आक्रमण हो गया और चाइना को जीत लिया जापान ने, उस टाइम चाइना को ये आर्ट बहुत पसंद आ गई और जापान ने ये इसको अपने कंट्री में लेके गए। ये शायद ईस्वी सन 6 की 6 वगैरह है ना, उस टाइम की बात है। तो ये जापान ने बाद में इसको नाम दिया बोनसाई। अभी बोनसाई का मतलब कैसा होता है कि इसमें दो वर्ड है, एक बोन और साई। तो जापानीज लैंग्वेज में ट्रे जो बोलते हैं, बोन मतलब ट्रे, ट्रे को बोन बोलते हैं मतलब, और साई मतलब प्लांट। तो ये दो वर्ड मिलके एक वर्ड बन गया जिसको बोनसाई कहने लग गए, मतलब ट्रे में, ट्रे के अंदर डेवलप होने वाला प्लांट मतलब बोनसाई। मतलब शुरुआत कैसे हुई थी बोनसाई की? क्या हुआ, मुझे गार्डन की एक अच्छा खासा शौक था, प्लांट लाना, प्लांट लगाना, उसको डेवलप करना। नॉलेज इतना नहीं था, ये बात थी जब मैं अमरावती सेंट्रल जेल में मेडिकल ऑफिसर करके मैं 1982 को जब मेरे अपॉइंटमेंट हो गई, तो उस टाइम मैंने सेंट्रल जेल में भी बहुत सारे प्लांट डेवलप किए थे, मतलब सिग्नल प्लांट वगैरह मैं वहाँ लगाता था। हमारे वहाँ पे एक साथी भी आए थे तो वहाँ के जेलर, उनको भी इंटरेस्ट था और हम दोनों मिलके हमने ये सेंट्रल जेल में हमने डेवलप किए थे। उस टाइम 82, 83, 84 की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे अमरावती के अंदर निराले बंधु करके रहते थे, खापड़े बगीचा में उनका रहना था, तो उन्होंने उनके यहाँ पे बोनसाई थे, तो मुझे किसी ने बोला था कि भाई आप उनके यहाँ जाके देखो, उनके यहाँ पे अलग टाइप के प्लांट है। तो प्लांट में मेरा इंटरेस्ट होने की वजह से मैं उनके यहाँ तक गया और मैंने उनके यहाँ के बोनसाई देखे। तो उनको मैंने पूछा कि ये कौन से प्लांट है, इसको क्या कैसे डेवलप करते है। तो वो जो बड़े भाई थे उसमें रविंद्र निराले, तो मेरे गुरु है, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे उस टाइम बोनसाई पढ़ाया और कैसा लगा ना ये भी सिखाया। कभी कभी हम हमारे घर में आते, प्लांट लाते, सॉइल मिक्सर तैयार करते, वो मुझे साथ में देते थे और हम वो प्लांट ट्रे में लगा देते, वो हमारे लिए एक अच्छा खासा प्लांट बन जाता था। तो ये बात है उस टाइम है जब ये 84, 85 की तरफ की बात है। ये टोटल आपके पास कितने बोनसाई के प्लांट्स हैं? अभी मेरे पास नियर अबाउट 250 प्लांट है बोनसाई के। मैंने अलग अलग टाइप के बोनसाई के प्लांट डेवलप किए हैं, मगर क्वालिटी के प्लांट मेरे पास अभी भी 100 प्लांट क्वालिटी के है। क्वालिटी के 100 प्लांट्स आपके पास, और उसमें से ज्यादातर किस किस के प्लांट, कौन से प्लांट्स हैं? मतलब मेरे पास तो मैंने अलग अलग टाइप के प्लांट्स तैयार किए, मगर अपने साइड में जो अमरावती का एटमोसफियर है तो वो साइड में अपने फाइकस वेराइटीज, फाइकस वेराइटीज ज्यादा कंफर्टेबल है इस ये एटमॉस्फेयर में बढ़ने के लिए। तो मेरे पास ज्यादा फाइकस बेंगालेनसिस है, फाइकस वेरिन है, फाइकस माइक्रोकार्पा है, फाइकस ग्रीन आइसलैंड है, ये सब प्लांट मेरे पास फिलहाल है। फाइकस स्पेसिस के प्लांट मेरे पास ज्यादा है। तो सर बोनसाई कौन से प्लांट का हो सकता है? बोनसाई के लिए प्लांट जो लॉन्ग लाइफ जो प्लांट चलता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा साल तक वो जिंदा रह सकता है, वो प्लांट के बोनसाई लगा करना बहुत अच्छा रहता है। जिसका स्टेम, जिसका ट्रंक ये ग्रीन रहता है, उस प्लांट के बोनसाई अच्छे नहीं हो सकते, उसको करना भी नहीं चाहिए। खाली जो डिसीडियस ट्री है, अब डिसीडियस ट्री मतलब कैसा है कि जो जिनकी शिशु ऋतु में पतझड़ होती है और वो बाद में फिर से वसंत ऋतु से अपनी शाखाएं निकालता है,
अपनी लीफ निकलता है, तो वो टाइप के बोनसाई, उस प्लांट के बोनसाई बहुत अच्छे होते हैं। इसमें अपने तरफ अपने एरिया के अंदर फाइकस वेराइटी तो सबसे ज्यादा अच्छी है। दूसरी एक वेराइटी है जिसको अपन इंडियन एल्म बोलते हैं। इंडियन एल्म मतलब कैसा है कि उसको अपन पपरिका भी प्लांट बोलते हैं, या उसको इटालियन भाषा में होलोप्टेलिया अर्जेंसी फोलिया नाम है उसका। इसका भी प्लांट काफी अच्छी तरह से अपनी तरफ बोनसाई हो सकता है अपने। सर जैसे हम महाराष्ट्र अमरावती में रहते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम ज्यादातर विदर्भ सेक्शन में किसी 48-47 टेम्परेचर रहता है मई में, तो उस टेम्परेचर में सबसे अच्छा बोनसाई कौन से प्लांट को रहता है, क्या कर सकते हैं, कौन से प्लांट को बोनसाई कर सकते हैं? कैसा है यहाँ तक के तो फाइकस वेराइटी या इंडियन वेराइटी तो अपने यहाँ पे बोनसाई के लिए अच्छी है। दूसरी एक वेराइटी है जो अफ्रीकन प्लांट है, इसका नाम है वो प्लांट अपने इंडिया में भी है मगर इंडिया की स्पीसीज थोड़ी अलग है और अपने अफ्रीकन स्पीसीज वो अलग है, जिसको एडिनसोनिया डिजिटाटा बोलते हैं। एडिनसोनिया डिजिटाटा इज द ग्रेटेस्ट सकुलेंट इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा प्लांट है जो सकुलेंट स्पीसीज में आता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सकुलेंट करके ये डेवलप होता है। तो इसका धूपकाले में बहुत खासा अच्छा सा बोनसाई हो सकता है क्योंकि ये ठंड काले में नियर अबाउट दिसंबर महीने में और हेमंत ऋतु के अंदर ये डॉर्मेंसी में जाता है और डॉर्मेंसी में जाने के बाद उसके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं डॉर्मेंसी में जाने की वजह से, मगर जब वो शिशु ऋतु निकल जाता है, शिशु ऋतु के बीच में इसको नए पन्ने आते हैं, नए पालवी आती है उसमें और वो फिर से अपनी शाखाएं निकालता है और काफी अच्छा प्लांट है जो एडिनसोनिया डिजिटाटा है। उसका ट्रंक भी बहुत खास अच्छा लगता है। और कौन से महीने में कर सकते हो रिपोर्टिंग? एक्चुअली देखा जाए, देखो इसका रिपोर्टिंग का जो ये रहता है फेब्रुआरी से, फेब्रुआरी अभी कैसा है इस साल फेब्रुआरी में जरा थोड़ा हीट अभी अभी से लग रही है। फेब्रुआरी में अच्छी सी हीट हो जाएगी। एक्चुअली ये देखा जाए तो इसको वसंत ऋतु में करना चाहिए, जब से वसंत ऋतु लगता है उस टाइम ये बोनसाई का रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो मगर उस टाइम अपने यहाँ पे बहुत हीट रहती है वसंत ऋतु में, उसके जो नई उसको जो शाखाएं आती है, नए पत्ते आते हैं, तो ये वसंत ऋतु बहुत ही अच्छा रहता है। उसके पहले भी किया शिशु ऋतु में, तो तब तक वो वसंत ऋतु लगते तक वो सेट हो जाता है और बाद में वसंत ऋतु में उसको लीफ निकलती है, तो वहां पे उस टाइम किया तो बहुत ही चलता है। नहीं तो फिर एक हेल्दी सीजन उसके झाड़ों के लिए भी स्टार्ट मृग नक्षत्र में, मतलब जून के दूसरे या तीसरे वीक में भी किया तो चलता, मगर उसमें एक थोड़ा धोखा ये भी रहता है कि अगर पानी ज्यादा हो गया और अपन ने उसको कटिंग करके लगा दो, उसको अपन पानी कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो फिर उससे प्लांट उसे भी खराब हो सकता है। मगर उस टाइम ऐसा नहीं होता, मगर कभी बोनसाई का प्लांट ठंड काले में कभी उसको रिपोर्टिंग नहीं करना, ठंड काले में कभी कभी नहीं करने का ठंड काले में। ये फाइकस वेरी ने मेरे पास सबसे पुराना प्लांट है, ये प्लांट को मेरे 38 इयर्स हो गए हैं। 1986 में मैंने ये प्लांट को लगाया और तब से उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। फाइकस ग्रीन आइसलैंड है, माइक्रोकार्पा की स्पीसीज है, ये माइक्रोकार्पा है प्लांट और ये तो बाकी के जो है मेरे पास ये जूनिपर है, चाइनीज जूनिपर है ये, और इसका भी मेरे पास एक स्मॉल टाइप का बोनसाई है। जहाँ तक ये जो है ये जेड प्लांट है, परचुला कारिया अफ्रा बोलते इसको, तो ये भी प्लांट मेरा एक मिनिचर स्टाइल का बोनसाई प्लांट है, इसको भी नियर अबाउट 10-10 साल हो चुके हैं इसको दोनों। ये भी फाइकस फेरिने प्लांट ऑन रॉक है ये। ये फाइकस बेंगलेनेसिस मतलब बर्ड का जो प्लांट है ये है, ये बर्ड का ये जो है ये भी फाइकस फेरिने। हाँ ये जो प्लांट है ये शायद बहुत कम दिखता अमरावती में, नहीं है ज्यादा लोगों की तरफ ये प्लांट, इसको फाइकस एली बोलते हैं, ये भी फाइकस स्पीसीज है, फाइकस वेराइटी है ये। तो ये सर कितना साल पुराना होगा सर? ये मेरे पास अभी 20 साल से है। अच्छा 20 साल से है, 20 साल हो गए। ये जो बोनसाई है ये फाइकस वेरिने है, इसको नियर अबाउट ये मैंने 93 में लगाया था, अभी ये 30 इयर्स का हो गया है। अरे इसकी हाइट काफी नियर अबाउट
4.5 फीट की हाइट है इसकी। और ये सर? और ये है एडिंसोनिया डिजिटा, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये इम्पोर्टेड प्लांट है। हैदराबाद की नर्सरी में मेरे एक दोस्त की नर्सरी है हैदराबाद में, मिस्टर हुसैन की, तो वहाँ पे जब मैं इंडियन रोज फेडरेशन के गवर्निंग काउंसिल पे था तो वहाँ पे एक एशियाटिक कन्वेंशन होने वाला था, उसके लिए हमारी मीटिंग थी, तो मुझे वो ये प्लांट उनके नर्सरी में दिखा और उनको मैंने बोला कि मुझे ये प्लांट चाहिए, तो उन्होंने झट उसको मुझे दिया। तब ये 15 साल का प्लांट था। अच्छा, तो अभी कितने साल का सर ये? अभी ये मैंने लाकर इसको 10 साल हो गए। अच्छा, 9 साल हो गए। अभी ये 24 ईयर्स का प्लांट है। वो प्लांट मैंने कट करके बेस से नियर अबाउट 3 फीट कट करके मैंने हैदराबाद से लेके आया था मैं। अच्छा, ये प्लांट और ये इसका यही है, ये एडिंसोनिया डिजिटा, इसको अपने इंडिया में इसको गोरखचिंच बोलते हैं। गोरखचिंच बोलते हैं इसको। इसके ये जो प्लांट देख रहे हैं ना, ये प्लांट चाइनीज जूनिपर है। अभी ये कैसा है कि अपने बोनसाई में बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं, तो उसमें एक स्टाइल है कैस्केड स्टाइल। ये प्लांट मैंने कैस्केड स्टाइल से बनाया हुआ है और नियर अबाउट ये प्लांट मेरे यहाँ पे नियर अबाउट इसको 15 साल हो गए जो मेरे यहाँ पे मैंने बनाया है और ये डेवलप हो रहा है। अभी भी मेरा पूरा बोनसाई हुआ नहीं है, इसको अभी इसके ऊपर अभी बहुत काम बाकी है मेरे। दूसरा जो प्लांट है, ये प्लांट की थोड़ी हिस्ट्री अलग है। ये प्लांट अपने यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर बहुत कम टाइप का प्लांट है, ये एलियग्नस प्लांट है। और ये इसकी हिस्ट्री कैसी है कि जब मैं ऑल इंडिया बोनसाई कन्वेंशन था बड़ौदा में, उस टाइम वहां पे मैं गया था वो कन्वेंशन को, तो क्या हो गया था कि ये वहां पर नियर अबाउट 13-14 के फॉरेन के डेलीगेट्स आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, उसमें सब मास्टर लोग थे, बोनसाई मास्टर थे सबके सब। उसमें जो जाम्बिया से आए थे मिस नेली स्टोयानोवा करके, तो उन्होंने मुझे उनका एक वर्कशॉप वहां पे हुआ था, वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद वो प्लांट मुझे वर्कशॉप में मिला। एक्चुअली ये इंपोर्ट किया हुआ प्लांट था उस टाइम वो जापान से, इन्होंने वो जो बड़ौदा के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कुछ प्लांट बाहर से भी इम्पोर्ट किए थे, तो ये प्लांट मुझे वर्कशॉप में वहां पे मिला है। ये एलियग्नस है और ये काफी अभी अच्छा बोनसाई तैयार हो चुका है इसका। ये जो बोनसाई है ना, ये प्लांट ऑन रॉक है। ये जो रॉक है, ये रॉक जो अपने ईंट की भट्टी रहती है, ब्रिक्स की भट्टी, उसमें उसमें मिलता है ये रॉक, तो उसके ऊपर मैंने ये रॉक के पे ये पूरे डेवलप किए है। ये जो रॉक है ये अपना ये अलग रॉक है, ये राजस्थानी सैंड रॉक है, ये राजस्थान का रॉक है। ये मैंने एक्चुअली खरीद कर लाया था, ये अपने यहाँ पे जो एक्वेरियम वाले उनके पास से लाया था और उसके ऊपर मैंने इसको डेवलप किया और नियर अबाउट अभी इसके ऊपर डेवलप करके मुझे ये प्लांट को नियर अबाउट 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ, तो ये प्लांट टोटल 20 साल का होगा सर। हाँ, तो जैसे सर आपने दिखा है कि ये मतलब बोनसाई आपने पूरे रॉक से किया है, तो ये रॉक्स टोटली ऐसे कहाँ कहाँ से अपने को मिल सकते हैं? बोनसाई वैसे देखा जाए तो कोई भी रॉक पे तैयार हो सकता है, अपने यहाँ के सादे रॉक में भी बोनसाई तैयार हो सकता है, मगर अपने को अगर आर्टिस्टिक थोड़ा सा देखने का हो, आर्टिस्टिक करने का हो, तो उसको ये जो ईंट की भट्टी में से जो रॉक निकलते हैं वो रॉक पे बोनसाई डेवलप काफी अच्छा दिखता है। जैसे कि ये रॉक है, ये रॉक है, ये रॉक है, ये सब ईंट की भट्टी वाले रॉक है, ये वाला रॉक का ये है रॉक, तो ये सब ईंट की भट्टी वाले रॉक है, कविलों की भट्टी, ईंट की भट्टी, इसमें से जो रॉक निकलते हैं वो रॉक काफी आर्टिस्टिक लगते हैं अपने को। अपने पत्थर भी रहते, पत्थर के ऊपर भी अपन बोनसाई डेवलप कर सकते हैं। अभी ये जो है ये राजस्थानी रॉक है, ये मैंने एक्वेरियम वालों के पास से लाया था, अच्छा, अमरावती में। ये सैंड रॉक है, ये जो है ये सैंड रॉक है, इसको पर डेवलप किया था, मुझे ये अच्छा लगा, काफी पोरस है ये। ये रॉक का फायदा ये है कि ये बहुत पोरस रहता है, स्पंजी रहता है, स्पंजी रहता है, इसमें इसके अंदर पानी स्टोर करके रखता है ये, और उसके वजह से प्लांट को कोई दगा धोखा नहीं होता। अपने यहाँ पे जब अपन अपने रॉक पे प्लांट डेवलप करते तो उसको पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, पानी उसके ऊपर बार बार देना पड़ता है अपने,
मार्बल के ऊपर भी होते हैं, मार्बल के ऊपर भी बोनसाई डेवलप होते हैं, हर इसमें बोनसाई डेवलप होते हैं रॉक पे, मगर ये जो रॉक है ये कविलो का जो रॉक है ये स्पॉन्जी रॉक है, या जो रॉक अपने कोयले की खदान में निकलता है वो भी रॉक बहुत बढ़िया रहता है, वो उसको भी अपन सर कोयले की वो मिलता नहीं होगा सर ज्यादातर, वो अभी मुश्किल में ज्यादा, कोई अगर कोई कोयले की पहचान वाला होगा तो शायद वहां पे मिला तो मिला नहीं तो ऐसे कोयले कलर में से रॉक मिलता नहीं जहां तक। ये जो प्लांट है ये फाइकस जिनसिंग है, जिनसिंग, और ये प्लांट कैसा है कि ये चाइनीज प्लांट है एक्चुअली, इसको चाइना में डेवलप होता है ये, और ये जो वुड स्टॉक है ये अलग है, उसके ऊपर जो ये ग्राफ्ट किया हुआ है ये प्लांट जो है ये फाइकस रेटिवसा है, तो ये प्लांट को इसके ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है और ये प्लांट डेवलप किया है। अच्छा, आपने इसके ऊपर ग्राफ्ट किया है सर? हाँ, यहाँ से ग्राफ्ट किया आपने? यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है ये प्लांट सी इसको, और ये बाद में ये अच्छा डेवलप, तो मैं 5 साल से मेरे पास है ये, जब कलकत्ता में हमारा एशियाटिक ग्रोथ कन्वेंशन हुआ था उस कन्वेंशन को मैं गया था तो वहां से के नर्सरी से मैं ये प्लांट लेके गया था और अभी ये 5 साल से मेरे पास है ये प्लांट। तो जैसा सर आपने सर चिक्कू का भी बोनसाई किया सर? हाँ, ये मैंने चिक्कू का बोनसाई किया, ये मेरा वो ये भी 8 साल का है और एक प्लांट लाया मैंने चिक्कू का और उसका मैंने बोनसाई बनाया और काफी अच्छा रिजल्ट अभी इसके आ रहे हैं। सर कितने साल होगा सर पुराना है ये? तो फिलहाल मेरे पास तो मैंने 8 साल से है मेरे पास लगा हुआ ये। 8 साल से? हाँ, 8 साल से लगा हुआ है। तो सर सॉइल कैसी होनी चाहिए थोड़ा ये बताइए सर। हाँ, ये सॉइल तुम कौन सी यूज करने का है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, मगर इसका सॉइल का एक प्रिंसिपल है। इसमें कैसा है कि ये इसकी जो ग्रोथ है ये ट्रे में होती है, खाली एक ट्रे रहता है छोटा सा और उसके ऊपर डेवलप होता है ये, तो अपने को सबसे बड़ी बात है कि इसकी सॉइल पोरस सॉइल होना, मतलब नियर अबाउट देखिए ये सॉइल में 25% एरिएशन होना, 25% तुम्हारा मॉइस्चर होना और 50% ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल चाहिए, तो ये तीन ऐसे टाइप के तीन का उसका रेशियो बनाएंगे ये सॉइल अपने को डेवलप करना पड़ता है। नहीं तो कैसा है कि अपन ब्लैक सॉइल में भी बोनसाई होते हैं, मगर ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि बोनसाई का बैलेंस नहीं रहता, एक तो उसके कॉम्पैक्ट हो गए रूट, तो रूट सड़ जाएंगे ब्लैक सॉइल में, अपन एरेशन कम रहता है उसके अंदर तो रूट रॉटिंग भी होने की चांसेस बहुत रहते हैं, तो ये सॉइल में इसमें सॉइल जो रहता है ये पोर्स सॉइल होना और उसका एक अच्छा सा एरेशन वाला सॉइल रहने को होना। सर ये बोनसाई को फर्टिलाइजर मतलब क्या दे सकते हैं? फर्टिलाइजर कैसा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लांट को हर साल उसको रिपोर्टिंग करना है, नया सॉइल डालना है और उसको रिपोर्टिंग करना है एक बार। दूसरी बात ऐसा है कि ये कैसा है, ये प्लांट का इसको फ्लावरिंग वगैरह की अपने को एक्सपेक्टेशन नहीं रहते, तो इसमें कैसा है फर्टिलाइजर रहता है वो तुम्हारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये दो टाइप के अगर फर्टिलाइजर इसको मिले तो इसके ग्रोथ अच्छी हो सकते है, फास्फोरस से इसके स्टेम रूट्स बढ़िया बन सकते हैं और नाइट्रोजन से इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, इसके डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, तो ये दो टाइप के फर्टिलाइजर भी सफिशियंट है, मगर ज्यादा फर्टिलाइजर देने की इसको जरूरत नहीं रहती। गोबर का खाद सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर जो रहता है, अच्छा फर्टिलाइजर गोबर का खाद ही होता है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी इसको कोई ज्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं, देना है तो एक आधी बार तुम डीएपी दो। जो मैंने जब भी आपको बोला था कि इंडियन एल्म करके प्लांट जो होता है ये, तो ये प्लांट है ये, दिस इज द होलोप्टेलिया अर्जेंसिफोलिया, इसका कैसा है इसका बोनसाई के लिए बहुत बढ़िया प्लांट है ये, इसको इंडियन एल्म भी बोलते हैं, चाइनीज एल्म, जापानीज एल्म, बहुत सारे एल्म हर हर कंट्री में आते हैं, उसमें ये इंडियन एल्म है। इसका जो ट्रंक है ये बहुत ही काफी एजेड ऐसा दिखता है और तैयार जल्दी होता है, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, ये काफी बढ़िया डेवलप हो सकता है।
हर कोई बोनसाई डेवलप कर सकता है। खाली बोनसाई से एक आदमी को ये मिलता है कि पेशेंस, लाइफ में पेशेंस क्या है ये बोनसाई से सीखना चाहिए। बोनसाई डेवलप करने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। और अपन अगर इसके अपन इसके पीछे लग गए या इसको डेवलप करने लग गए तो अपन लाइफ में भी अपने पेशेंस से सब काम कर सकते हैं, बात करते कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव धर्म देखने है। कोई लोग बोलते हैं कि मैंने रखना नहीं चाहिए घर पे वगैरह, मेरे पास तो बहुत सारे बोनसाई कई सालों से मैं डेवलप कर रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ इसका मुझे निगेटिव इफेक्ट मिला नहीं अभी तक मेरे लाइफ में मुझे कभी। हाँ मतलब लोगों का कहना है कि वो अच्छा नहीं है कि झाड़ों की ग्रोथ नहीं होने देते। ऐसा लोगों का वो कैसा है, जिसको कुछ करना नहीं है वो कुछ तो भी बहाने निकालते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए वो करना, जिसको खुद नहीं करते और दूसरे भी नहीं करना चाहिए दूसरे ने भी, ये उनका एक टेंडेंसी रहती है ये जो हर वक्त बोलने वाले रहते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उनके घर पे अगर एक आधी बार बड़ का पिंपल का इसका ये तो घर पे निकलते ना तो वो कितने बढ़ने देते है, क्या उखाड़ के उसको फेंक देते है, उखाड़ के फेंक ही देते ना घर के ऊपर, तो वो कौन सा पॉजिटिविटी है उसके अंदर। चलो भाई उन्होंने निकाल कर कुंडी में लगाया और उसको डेवलप किया और बाद में खेत में जा लगाया, खेत में जाकर लगाया कहीं यार बाहर लगाया या स्ट्रीट पे लगाया, तो ये अभी साइड ऑफ स्ट्रीट पे लगाया, तो ये कभी ऐसा होता नहीं, कभी दिखता नहीं लोग, वो तो उखाड़ के फेंक देते हैं। मगर ओके सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपने बहुत इतनी इम्पोर्टेंस जो बातें बोनसाई के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।